हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इन्फाइनाइट क्लासेस में। तो इस वीडियो हम लोग लेके आए उत्तर प्रदेश में परिवहन और संचार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो यूपी लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला तथ्य हमारा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सड़क मार्ग की लंबाई कितनी है। वो लंबाई जो है वो आपकी 712,000 किलोमीटर है, यानी ये जो डाटा है वो 2019 और 20 का है। अगला है कि डाकघर है वो 17,670 हैं, ये भी डाटा आपका 19 और 20 का ही है। दूरदर्शन केंद्र कितने हैं वो आपके 3 हैं। आकाशवाणी केंद्र आपके कितने हैं वो आपके 13 हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 11,736.8 किलोमीटर। अगला है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में स्थान कौन सा है, वो है आपका सेकंड, यानी सेकंड स्थान उत्तर प्रदेश का आता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वो है आपका 19वां। और सबसे पुराना कौन सा है, सबसे पुराना आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, वो आपकी हुई थी 1972 में। अगला यमुना एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है, वो है आपकी 165.537 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये जो है आपका ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। अगला है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 2001 में। अगला उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। अगला है कि प्रदेश में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है वो कब चलाई गई थी, वो चलाई गई थी आपकी 1859 में, और कहाँ से कहाँ तक, इलाहाबाद से कानपुर तक। अगला है सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा 1911 में, कहाँ से, इलाहाबाद से नैनी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।